नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया गौरव। और अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का नया सवेरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर। आज अहमदाबाद में करेंगी साबरमती आश्रम का दौरा। स्वास्थ्य, सिंचाई और बंदरगाह विकास समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ और शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर। गृहमंत्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को जनसभा को करेंगे संबोधित। आज वायुसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर स्थित वायुसेना बेस पर रक्षा मंत्री समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। LCH स्क्वाड्रन सीमा पर घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में करेगा मदद। उत्तर प्रदेश के बदौही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग। एक की मौत, 50 से ज्यादा लोगों को आग के झुलसने से खबर। घायलों का नजदीकी अस्पताल में उपचार जारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को भेजा। अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार का दावा कर सरकार की करा चुके थे किरकिरी। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में अब तक 125 लोगों की मौत, 320 जख्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई संवेदना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जांच के दिए आदेश। वहीं फीफा ने इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ से मांगी रिपोर्ट। सूर्य कुमार और KL राहुल के अर्धशतकों की मदद से भारत ने दूसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों से दी शिकस्त। तीन मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त। पहली बार अफ्रीका से जीती घरेलू T20 सीरीज। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में आज एथलेटिक्स में पुरुषों के 10,000 मीटर रेस में सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने जीता स्वर्ण। रोइंग और निशानेबाजी में होंगे पदक दांव पर। महाअष्टमी पर आज मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की जाती है विशेष पूजा अर्चना। और आइए शुरुआत करते हैं।